गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड, डियर स्टूडेंट, ऑन एटींथ ऑफ जून वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी। इन एक्सरसाइज नंबर ए वी हैव डन करेक्ट फेमिनिन जेंडर एंड इन एक्सरसाइज नंबर बी वी हैव Written correct masculine gender of the following words which are given in box. Means exercise number A में हम लोगों ने masculine gender दिया, feminine gender दिया है, masculine gender हम लोगों ने किया। Exercise number B में feminine gender दिया है और उसमें हम लोगों ने masculine gender को write किया, ठीक है। Today look exercise number C. In exercise number C, rewrite each sentences changing the gender of the underlying nouns. कह रहा है कि इसमें हम लोग को क्या करना है, rewrite each sentences. हर एक sentences को हमें क्या करना है, rewrite करना है. और जो word आपके, you can see, जो word आपके underline है उन words को हमें क्या करना है, change करना उनका gender. जैसे you can see in sentence number वन, sir, तो सर का मैडम। तो मिस कहने का है कि जो भी वर्ड आपकी अंडरलाइन है, नाउंस अंडरलाइन है, उनको आपको क्या करना है, चेंज, यू हैव टू चेंज अंडरलाइन वर्ड, ओके। आपको उनका जो जेंडर है उसको चेंज करना है, ओके। लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट एग्जाम देखो, लुक सेंटेंस नंबर वन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो यू नो सर का क्या होगा, सर का ऑब्वियसली मैडम। यू विल लाइक दिस, मे आई कम इन मैम या मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो आपका सेंटेंस सर की जगह क्या हो जाएगा, सर की जगह आपका जो सेंटेंस है वो मैडम हो जाएगा, मे आई कम इन मैडम। नेक्स्ट, द किंग वॉज वेरी एंग्री, किंग, द किंग वॉज वेरी एंग्री। किंग जो था, राजा था, वो बहुत गुस्से में था। अब आपको क्या करना है, जो किंग है उसका आपको जेंडर चेंज करना है। तो किंग का क्या होगा, क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन। तो यू विल राइट लाइक दिस, सेकेंड सी, द क्वीन वॉज वेरी एंग्री। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो वर्ड आपके अंडरलाइन है, जो जेंडर अंडरलाइन है, आपको ओनली उसको चेंज करना है। द क्वीन वॉज वेरी एंग्री। नेक्स्ट, थर्ड, दैट मैन इज अ गुड एक्टर। वह जो मैन है, वह जो आदमी है, वो बहुत अच्छा क्या है, एक्टर। अब इसमें देखिए, इसमें आपको दो जो है जेंडर मिल रहे हैं, एक है मैन और दूसरा है एक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैन का वुमेन, एक्टर का एक्ट्रेस। तो अब आपका जो होगा सेंटेंस वो इस तरह से होगा, दैट वुमेन इज अ गुड एक्ट्रेस, दैट वुमेन इज अ गुड एक्ट्रेस। वह जो औरत है वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी अभिनेत्री है। नाउ एक्सरसाइज नंबर फोर, हर फादर इज अ टीचर। हर फादर इज अ टीचर, फादर मतलब उसके जो पिताजी हैं वो क्या है, वो एक टीचर हैं, अध्यापक हैं। अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, हिज फादर, क्योंकि अब फादर की जगह क्या होगा, हिज हो जाएगा, हिज फादर इज अ टीचर। हमने यहाँ पे हिज भी चेंज कर दिया, हिज अब करेंगे, हिज मदर इज अ टीचर। अब आप क्या करेंगे, उसकी जो माँ है वो क्या है, एक टीचर है, हिज मदर इज अ टीचर, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, द ग्रूम इज माई अंकल। ग्रूम मीन्स दुल्हा। अब फिफ्थ देखते हैं, द ग्रूम इज माई अंकल। जो ग्रूम है, दुल्हा है, वो मेरे अंकल हैं। अब आप कैसे करेंगे, ग्रूम जो है, ग्रूम का क्या होगा, ग्रूम का ब्राइड। अब आपका सेंटेंस होगा, नाउ योर सेंटेंस विल लाइक दिस, द ब्राइड इज माई आंट, द ब्राइड इज माई आंट।
ओके अब आपने ग्रूम और अंकल दोनों को चेंज किया, ग्रूम जो है वो ब्राइड में कन्वर्ट हो गया, अंकल जो है वो आंट में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट, दैट बॉय इज माय नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स भतीजा, बॉय मीन्स लड़का. दैट बॉय इज माय नेफ्यू, वो जो लड़का है वो मेरा भतीजा है. अब आप कैसे चेंज करेंगे, अब आप बॉय का गर्ल और नेफ्यू का नीस करेंगे. तो अब आपका सेंटेंस ऐसे होगा, दैट गर्ल इज माय नीस. दैट गर्ल इज माय नीस, वह जो लड़की है वो मेरी भतीजी है. नेक्स्ट, हिज मदर इज अ डॉक्टर. हिज मदर इज अ डॉक्टर, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हिज फादर इज अ डॉक्टर. मदर का क्या हो जाएगा, फादर, ठीक है, तो मदर का फादर हो गया, हिज फादर इज अ डॉक्टर. एट, हु इज हीरो इन दिस फिल्म. हु इज हीरो इन दिस फिल्म, हीरो कौन है इस फिल्म का, तो अब आप लिखेंगे इस तरह से, हु इज हीरोइन इन दिस फिल्म. हीरो का क्या होगा, हीरोइन. हु इज हीरोइन इन दिस फिल्म, इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया. अब फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. पहले हम इसको इधर कर देते हैं, या मे आई, इस तरह से देखें, मे आई कम इन सर. तो अब आपको इसको जेंडर इन सेंटेंसेस अंडरलाइन जेंडर यू हैव टू चेंज. मे आई कम इन सर, then you will write, may I come in madam. The king was very angry, the queen was very angry. That man is a good actor, that woman is a good actress. Her father is a teacher, his mother is a teacher. The groom is my uncle, the bride is my aunt. That boy is my nephew. That girl is my niece. His mother is a doctor. His father is a doctor. Next, who is heroine in this film? Sorry, who is hero in this film? अब आपका sentence होगा, who is heroine in this film? इस तरीके से, like this. We have complete exercise number C. Okay? So now, we will complete exercise number A, B and C. Dear student, you should learn these words. Write correct feminine gender of the following words from the box. It is very simple gender and you have to learn all these words. You know it very well ki what is a gender about grandfather, what is the gender, when you change the gender of grandfather, you will change the gender of grandfather, grandmother, groom, bride, gentleman, lady, dear, doe, nephew, niece, sir, madam, uncle, aunt, king, queen, loin, loinus, fox, vixen. Means आपको ये सारे जो gender हैं वो आपको learn होने चाहिए, ठीक है, okay बच्चों. अब आप इस एक्सरसाइज नंबर सी को अपनी कॉपी में राइट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल टेक अ पिक्चर ऑफ योर एक्सरसाइज एंड अपलोड ऑन स्कूल सॉफ्टवेयर. होमवर्क पर जा करके आप उस पिक्चर को वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.